हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। मैं क्लास फाइव के बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा दूसरे भाग का वीडियो है। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में पढ़ा था, क्लास फाइव के बच्चों, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट हम लोग का टॉपिक था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो उसका कुछ पहले हम लोग रिविजन कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट जनरेशन के टॉपिक से, उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूज हम लोगों ने 1940 से 1956 के बीच हुआ था, मतलब 1940 से 1956 के बीच फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूज किया गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। ये सब आप लोगों को याद होगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट पार्ट में यही पढ़े थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। इन सब टॉपिक पे कल हम लोगों ने चर्चा की थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया। इसको ऑपरेट करना काफी डिफिकल्ट था। ये बिजली की उत्सर्जित, इस जनरेशन के कंप्यूटर से बिजली की उत्सर्जन ज्यादा होते थे, साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे और बिजली की खपत भी ज्यादा हुआ करते थे इस कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं जो इस जनरेशन में इन्वेंट हुए, जैसे इनैक। इनैक को हम लोगों ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना। तो इनैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इडवैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यूनिवैक फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम लोग, ये तो कल के टॉपिक था जिसपे आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा किया रिविजन के लिए। अब हम लोग आज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका सेकेंड है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में अब हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। यानी कल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, अब हम लोग जानेंगे सेकेंड वीडियो पार्ट में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 के बीच में यूज किया गया, मतलब 1956 में डेवलप हुआ और इसका यूज 1963 के बीच तक किया गया, 1956 to 1963। विच रिफ्लेक्ट वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर वेयर डेवलप्ड बाय विलियम स्कॉकली, जॉन बार्डिन एंड वाल्टर हाउसर ब्रिटेन। ट्रांजिस्टर का डेवलप विलियम स्कॉकली, जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउसर, ये तीन लोगों ने मिलकर ये ट्रांजिस्टर का डेवलप किया, जिसका यूज हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके। द लैंग्वेज यूज इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था, लेकिन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। ये एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर ही समझ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर IBM 140 मार्क 3 लियो। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं, IBM 140 मार्क 3 लियो। ये तीन कंप्यूटर जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के दौरान ये डेवलप हुआ, 1956 टू 1963 के बीच ये कंप्यूटर का इन्वेंट किया गया, जिसका नाम है IBM 140 मार्क 3 लियो।
डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर का डेवलप होने से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर का डेवलप होने के बाद कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ। द कंप्यूटर बिकेम फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल। और कंप्यूटर पहले से ज्यादा फास्ट हुए, सस्ता और विश्वसनीय। मतलब ट्रांजिस्टर का डेवलप सेकेंड जेनरेशन के दौरान होने की वजह से फर्स्ट जेनरेशन में जो हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, जो कि बहुत बड़े बड़े एक कमरे के समान वो कंप्यूटर के पार्ट्स हुआ करते थे फर्स्ट जेनरेशन में, तो ट्रांजिस्टर का डेवलप हो जाने की वजह से उसको वैक्यूम ट्यूब्स को सेकेंड जेनरेशन में रिप्लेस कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और ट्रांजिस्टर का यूज होने से कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करने लगा, काम उस पे करने लगे। चीपर यानी उसके पार्ट्स सस्ता हुए और रिलायबल मींस वो विश्वसनीय, मतलब वो जो भी रिजल्ट सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पे हम लोग वर्क करते थे वो रिलायबल हुआ करते थे, विश्वसनीय मतलब वो सटीक जवाब आता था उससे, उसमें हम लोग कर सकते थे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जाना। अब नेक्स्ट थर्ड जनरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, यानी पार्ट 3 में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कैसे डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ, इन सारी चीजों पे हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।